गाइस यार ये मैं कहां पर आ गया हूँ। हम लोग बहुत जोर से गिरने वाले हैं, तैयार हो जाओ, अब लगेगी जोरदार। यार गाइस ये मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं अचानक से ऊपर कैसे पहुंच गया था। एक मिनट गाइस, मैं सुपरमैन बन गया हूँ और वो भी एक बेबी सुपरमैन। गाइस हमें ताकतवर होना पड़ेगा। एक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तो सो रहा था और जैसे उठा यहाँ पर वो बैटमैन, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी से जाके पूछ लेता हूँ। अरे बैटमैन तुम यहाँ? सुपरमैन क्या ये तुम ही हो? तुम बच्चे कैसे बन गए? अब तो तुम जस्टिस लीग में रहने के लायक भी नहीं हो, मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हो? पहली बात तो मैं सुपरमैन नहीं हूँ और नहीं भी हूँ तो क्या हुआ, मेरे में अभी भी बहुत ताकत है। तुम मुझे साबित करके दिखाओ, यहाँ पर मेरी गाड़ी रखी है और नीचे एक रैंप है, ये गाड़ी लो और मुझे रैंप अच्छे से करके बताओ। अगर तुम सक्सेसफुल रहे तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। ओके पर मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे। गाइस यार ये अपने को चैलेंज कर रहा है, अभी तो मैं करके दिखाऊंगा। इसी की गाड़ी लेके जानी है ना, अब देखो कैसे जाता हूँ मैं। गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। भाई साहब बोल तो दिया पर अब मुझे डर लग रहा है। गाइस ये तो एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है। ओहो अबे नहीं 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 नहीं, कहीं टकराना नहीं, बस मुझे थोड़ा सा डर इसी बात का और ये मैं चला। गाइस हम लोग कितने ज्यादा हवा में आ चुके हैं, अब मुझे लैंड करना है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला। अबे नहीं 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 हमारी गाड़ी उल्टी हो गई। अबे यार चक्कर आ गए। गाइस एक गड़बड़ हो चुकी है, बैटमैन की गाड़ी में लेके तो आया था, अब पता नहीं सही सलामत है भी या नहीं। अबे यार गाड़ी तो ठीक है पर एक बहुत बड़ा डेंट और स्क्रैच आ चुका है यहाँ पर, पता नहीं बैटमैन मेरा क्या हाल करेगा। ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी दी थी ताकि तुम ये रैंप अच्छे से कर पाओ, पर तुमने तो मेरे गाड़ी की वाट लगा दी। इतना बड़ा स्क्रैच, तुम्हें पता ही है कितनी महंगी है। देखो तुमने गलती तो की है तो मैं तुम्हें $10,000 तो नहीं दूंगा पर $5,000 दे सकता हूँ क्योंकि तुमने करने की हिम्मत भी की। तो ये लो तुम्हारे पैसे और निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है यार, सॉरी बोलता हूँ, मेरा ये इंटेंशन था ही नहीं। गाइस चलो कोई बात नहीं, $10,000 ना सही $5,000 तो मिले। देखते हैं कि $5,000 में हमें कौन सा सूट मिल सकता है। ये तो रेगुलर सुपरमैन है, मतलब के नॉर्मल जो होता है। चलो बैटमैन तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है ना उसके लिए माफी दे देना भाई, अब मैं चलता हूँ। गाइस चलो यहाँ पर तो बैटमैन मिल गया था जिसके वजह से हम लोग अपग्रेड कर पाए, पर अभी भी हमारे पास कोई पावर आई नहीं है। मुझे किसी और को भी ढूंढना पड़ेगा जो बैटमैन की तरह अपनी मदद करे। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर गाइस फ्लैश है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हेलो फ्लैश कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ यार। ये क्या सुपरमैन, तुम्हारी तो पावर ही बदल गई। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे बैटमैन ने बता दिया था मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। और वो कैसे जरा मुझे भी तो बताओ। तुम्हें यहाँ पर एक रेस करनी होगी, बीच पर ही आगे एक फिनिश लाइन है, तुम्हें एक मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचना है, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जाओ तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके गाइस यार जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि हमें एक मिनट में उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। जल्दी जल्दी जल्दी। ओ अबे ये क्या, इसकी तो मैं, अबे इतनी सारी बस हवा में कैसे गिर रही है, सॉरी हवा से कैसे गिर रही है, और नीचे गिरने के बाद ये गायब भी हो जा रही है। अबे फ्लैश ने ये कौन सा मैजिक किया है भाई, हो क्या जोर से गिर रही है, बस एक दो अपने पे नहीं गिरी। ओ भाई अभी तो दबा ही दिया था। गाइस हमारा टाइम जाते जा रहा है, हमें और जल्दी करना होगा, फटाफट भाग, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है अभी। मुझे पता नहीं था ऐसा होने वाला है, वरना मैं फ्लैश की बात कभी भी नहीं मानता, कहीं और से पैसे कमा लेता। जल्दी जल्दी सुपरमैन, चलो गाइस इसके नीचे तो कुछ गिरेगा नहीं, अभी तक तो हम लोग सेफ है, पर आप लोग आगे देख रहे हो क्योंकि आगे अभी भी खतरा मंडरा रहा है। अब जो भी हो हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, कैसे भी करके फिनिश लाइन तक पहुंचना यार जिससे हमें पैसे मिल सके। ओ नहीं नहीं नहीं, चलो अभी तो एक बस टकरा ही जाती पर हम लोग बच गए। गाइस थोड़ी देर में फिनिश लाइन आ जाएगी, कैसे भी करके क्रॉस करना है क्योंकि एक बस ऊपर गिरी ना तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। और ये फिनिश लाइन आ चुकी है और क्रॉस। भाई वाट लगते लगते बच गई, मेरी तो आवाज ही चली गई थी। फ्लैश जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया है, अब मुझे जल्दी से मेरे पैसे दो, मुझे सूट को अपग्रेड करना है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे लगा नहीं था तुम कर पाओगे, इन पैसों पर तुम्हारा अधिकार है, ये लो पूरे $50,000। गाइस यार फ्लैश ने तो अच्छे खासे पैसे दे दिए, देखते $50,000 में कौन सा सूट है। और ये एक ब्लैक सुपरमैन, भाई साहब क्या बात है यार। चलो बैटमैन ने हमारी मदद कर दी और फ्लैश ने भी कर दी, तो हमें एक और सुपर हीरो ढूंढना पड़ेगा जो हमारी मदद कर सके। ओहो हो 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 गाइस यार हम लोग उड़ सकते हैं, अभी जाके मेरे में थोड़ी बहुत सुपरमैन जैसी पावर आई है। क्या बात, एकदम रॉकेट की स्पीड से जा रहे हम लोग, मुझे मजा आ गया यार। एक मिनट वहां पर कुछ तो है, जल्दी से नीचे जाके देखते हैं। ओ टोनी, गाइस यार क्या बात है, यहाँ पर आयरन मैन है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पर होगा। कैसा है भाई, तुझे देख के बहुत खुशी हुई है, पर वैसे
से मुझे तुझसे एक मदद चाहिए, थोड़े पैसे मिल सकते क्या? तुम्हारा ये काम तो मैं चुटकी बजाते ही कर सकता हूँ, पर मैं इतनी आसानी से तुम्हें पैसे दूंगा नहीं। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, पहले मुझे खुश करके बताओ तुम्हें हल्क से लड़ाई करनी होगी। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। देखो अगर पैसे चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे कह दो, मैं किसी और से बोल दूंगा। वैसे भी मेरा काम करने के लिए हजारों लोग बैठे हैं, पर मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अच्छा ठीक है गाइस, यार पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? वो रहा हल्क, इसको तो देख के मुझे डर लग रहा है, पर यार कुछ नहीं कर सकते, इसे मारना तो पड़ेगा। ये ले और ये खा। मुझे माफ कर देना यार हल्क, पर मुझे ये सब करना पड़ रहा है, पैसों की बहुत जरूरत है। गाइस आप लोग देख रहे हो हमें कितनी ज्यादा ताकत आ गई है, मानना पड़ेगा ब्लैक वाले सुपरमैन को। हमें बस हल्क को चांस नहीं देना है क्योंकि हल्क भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो गुस्सा हो जाता तो किसी का भी नहीं है। ओहो हो ओ हो, अरे हल्क रुक जा भाई। गाइस यार जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है, हल्क को बीच बीच में चांस मिल रहा है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देना। ओहो हो, क्या पंच पड़ा यार। अगर मैं सुपरमैन नहीं होता ना भाई, हमारी हालत खराब हो जाती, क्योंकि इसने बहुत जोर से मारा, ये गुस्सा हो गया है। पर इसका गुस्सा यहाँ पर काम नहीं आएगा, अभी ठंडा करता हूँ। धबा दब धबा दब धबा दब, ढिपचिक ढिपचिक लेंगे इसको। अबे फिर उठ गया, कौन से मिट्टी का बना यार। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे। ओहो क्या पटका है। पर मजे की बात ये, हमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, थोड़ी बहुत लग रही है। अब इतनी बड़ी बड़ी फाइट में थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी लगेगी, पर मानना पड़ेगा यार हल्क को सैल्यूट है, सुपरमैन से भिड़ जा रही है। पर बेचारा कब तक भिड़ेगा गाइस, आखिर में सुपरमैन तो सुपरमैन है। क्या मार मार के इसकी हालत खराब कर दिया। अब ये ले, क्या उड़ के गया यार। जल्दी से जाते उसके पास। गाइज हल्क हिल नहीं रहा है, लगता है इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने अपना टास्क पूरा किया। अब टोनी अपनी बात से नहीं मुकर सकता, जल्दी से जाता हूँ उसके पास और जाके अपना पैसा लेता हूँ। टोनी तुमने जैसा कहा था मैंने कर दिया, अब प्लीज यार मुझे मेरे पैसे दे दे। वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, तुमने हल्क को हरा दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लो पूरे $1,00,000 और जाके तुम्हें जो करना है करो। चलो यार गाइस हमें $1,00,000 मिल चुका है, अब देखते हैं कि कौन सी पावर मिलती है और कौन सा सूट। भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल लग रहा है, और मेरी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे महसूस हो रहा है। अब मुझे लगता है मुझ में थंडर की भी पावर आ चुकी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी सूट अपग्रेड करना है, किसी और के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर टोनी से पैसा मांगूंगा तो वापस से कोई आड़ा टेढ़ा काम देगा, इससे अच्छा किसी और के पास ही चला जाता हूँ। फटाफट उड़ के जाएंगे, किसी को ढूंढेंगे। गाइस यार यहाँ पर थॉर खड़ा है। के मोटा भाई मजा मा, लगता है सुनाई नहीं दिया, पास जाता हूँ। हमें सब सुनाई देता है, और हमें ये भी पता है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हें अभी तक जितने लोगों ने पैसे दिए हैं मैं उन सब से ज्यादा दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा बहुत जरूरी काम करना होगा। शहर में कुछ हलचल हुई है, कोई तो समुराई रोबोट की फौज बना रहा है, तुम्हें उन सारी फौज को खत्म करना होगा। उसके बदले मैं तुम्हें $5,00,000 दूंगा, तो तुम चिंता मत करो, ये वाला काम मैं कर दूंगा, तुम मेरा हथियार लेके जाओ। ओके तो गाइस जल्दी से बुलाते हैं मेयोनीर को या फिर स्टॉर्म ब्रेकर को, जो भी आने वाला हो। और ये भाई साहब स्टॉर्म ब्रेकर मिल गया यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया थॉर। गाइस यार इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा, जल्दी से उस समुराई फौज को ढूंढते हैं। अब पता नहीं वो सारे सोल्जर कहाँ पर होंगे, शहर में कहीं है तो हमें मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमारी नजर बहुत ज्यादा तेज है, मैं स्कैन भी कर सकता हूँ सारी चीजों को। ओहो गाइस आखिरकार मैंने इन्हें ढूंढ लिया, थॉर तो एकदम सही बोल रहा था यार, यहाँ पर तो बहुत सारे रोबोट है, जल्दी से निपटाते इन्हें। एक तो मुझसे टकरा कर ही गया, आज तो पूरी बूम बाम होने वाली है यार, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स है, मजा आ जाएगा। मुझे लगता है अभी तक सारे एक्टिवेट नहीं हुए, तो हमारा काम और आसान हो गया। और ये स्ट्राइक एक साथ कितने सारे गए, वैसे स्ट्राइक नहीं हुई, सारे नहीं गिरे, पर कोई बात नहीं गाइस, आज तो सारों को खत्म किए बिना जाऊंगा नहीं। थॉर के स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की वजह से हमारी थंडर वाली पावर भी बढ़ चुकी है, आज तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा भाई, सबको धीरे धीरे करके निपटा देगा आपका भाई। और ये गए दो जन, और यहाँ पर ये भी गया, क्या पछाड़ा, इसको तो दूरी फेंक दिया है। गाइस अब ज्यादा रोबोट नहीं बचे, क्योंकि आधे से ज्यादा को तो मैं मार चुका हूँ, और बाकी जितने बचे हैं वो भी निपट ही जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और भी स्पीड बढ़ गई है हमारे यार, मानना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकर कमाल की चीज है। चलो 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 अब गिन के 5-6 है, ये गया 1, चलो बाय बाय, और ये दूसरा बाय बाय, यहाँ पर ये गया 3, 4, बस एक बाकी, ये लास्ट वाला फिर हमारा काम हो जाएगा, और ये भी गया। गाइस यार क्या बात है, अब इन सबको एक साथ ठिकाने लगाते हैं। सारे के सारे आ गए, एक भी नहीं बचा यार, क्या घूम के चारों बाजू फैले हैं। अब सुबह कचरे वाला आएगा और इनको उठा के जाएगा, बस उनको पता ना चले कि ये मैंने बिखेरा है। ये रहा थॉर। गाइस थॉर यार मैंने तेरा काम कर दिया जैसे तूने बोला था, अब पैसा निकाल, क्योंकि पैसा की जरूरत है। हम तुमसे खुश हुए, ये लो तुम्हारे पूरे $5,00,000 और जाके खुद को अपग्रेड कर लो। तो गाइस यार हमें पैसे मिल चुके हैं, बारी है अपग्रेड होने की, तो जल्दी से अपग्रेड होते हैं। 1, 2, 3 व्हाइट सुपरमैन। भाई साहब मजा आ गया यार, थॉर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस यार
अब जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम है। वैसे मुझे लगता है ये वाला अपग्रेड फाइनल था, या फिर इसके बाद एक और होगा, पता नहीं। उसके बाद हम लोग सुपरमैन बनकर सर्वाइव कर सकते हैं, कोई दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। एक मिनट, ये तो डूम्सडे है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे लग रहा है कि मैं असली वाला सुपरमैन हूँ और ये मुझे मारने आया होगा यहाँ पर। गाइस यार ये बहुत खतरनाक होता है। डूम्सडे तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, आज तो तुम्हें खत्म कर दूंगा, फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। देख मैं सुपरमैन हूँ या नहीं ये मैं तुझे नहीं बताने वाला, पर ये तेरे बस का नहीं है। तुम इतने हकलाते हुए बात क्यों कर रहे हो, मुझसे डर गए क्या? डरू और तुझसे यहाँ पर आ, ये ले, बोल और डर गया, बोल डर गया तेरी तो, ये ले। क्या घसीटते हुए गए गाइस? ओहो, ताली मारता है। अबे इसकी तो मैं, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा नहीं छोड़ने वाला था। ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गाइस ब्लैक वाला सुपरमैन आपको याद होगा कितना ताकतवर था, तो अब तो मैं व्हाइट वाला हूँ। ओ आउच यार, सर पे लगा वो बोर्ड। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब इसको स्पीड में देता हूँ, ये ले। और ये खा, एक पंच में ढेर हो रहा है भाई। क्या लग रहा है इसको, धाड़ धूड़, थोड़ी बहुत लेजर खाएगा क्या? नहीं गाइस यार बेचारे की वाट लग रही है, पुंगी बज रही है। उठना उठना उठना, क्या हुआ बेटा? अभी बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। अरे कहाँ बता रहा है यार, पहले उठ तो जा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करने का, करके दिखाने का। गाइस यार इसकी हालत तो मैंने सच्ची में खराब कर दी है, व्हाइट वाला सुपरमैन तो सच्ची में ब्लैक वाले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इधर आ तेरी तो मैं। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। पहले घूमी घूमी कर ले, अब मत बोलना तेरे को कहीं घुमाने नहीं लेके गया। चलो गाइस यार क्या पुंगी बजाई है मैंने इसकी। अब भाई थोड़ा ठंडा हो जा, इसी जगह खड़े रहे। अब ये ले पंच। क्या स्पीड में निकला यार। गाइस ये तो लूड़ा लंगड़ा सब हो गया है। और ये ले। चलो अब मुझे लगता है कि मैंने इसे निपटा दिया है। हाँ सच्ची में निपटा ही दिया है। और एक मिनट, इसे मारने का हमें $1,000,000 मिला है। क्या बात है यार, $1,000,000 में तो मस्त सा सूट आ जाएगा। जल्दी से देखते हैं कि $1,000,000 में कौन सा सूट है। 1, 2, 3, एक गोल्डन सुपरमैन। भाई साहब कितना कूल है ये। गाइस यार आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें से आपका फेवरेट सूट कौन सा है, क्योंकि मुझे तो अभी तक ये गोल्डन वाला बहुत ढासू लगा है। देख रहे हो क्या पावर है इसकी, एक गाड़ी उठा के भी मैं कितनी बड़ी जंप कर सकता हूँ, एक ही बार में 4 से 5 गाड़ियां ब्लास्ट। एक और जंप, और आप लोग देखो ये यार, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। गाइस यार इसकी पावर नेक्स्ट लेवल है, मतलब नेक्स्ट लेवल। अब तो कोई दुश्मन हमारे सामने नहीं टिक सकता, मैं पूरी जिंदगी सुपरमैन बन के रह सकता हूँ। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।